नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। पत्रकार को धमकाने वाले हो जाएं सावधान, भारतीय मीडिया महासंघ एक्शन मोड में। जन समस्या की खबर प्रकाशित होने पर पत्रकार को फोन कर जान से मारने की दी धमकी। भारतीय मीडिया महासंघ दिखे एक्शन मोड में। पत्रकार को धमकाने वाले को भारतीय मीडिया महासंघ नहीं छोड़ेगा। पत्रकार को धमकाने वाले हो जाएं सावधान, भारतीय मीडिया महासंघ एक्शन मोड में। भारतीय मीडिया महासंघ ने लिया बड़ा एक्शन। पत्रकार को धमकाने वाले अधिकारी या कोई और को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा ही ताजा मामला बांका जिले से आया, जहां पर जन समस्या की खबर दिखाने पर पत्रकार को फोन कर जान से मारने की धमकी दी। इसी को लेकर भारतीय मीडिया महासंघ एक्शन मोड में दिख रहा है। भारतीय मीडिया महासंघ के अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि पत्रकार को जिस तरह से फोन पर धमकी दी गई है, इसको छोड़ नहीं जाएगा। धमकी देने वाले पर उचित कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। भारतीय मीडिया महासंघ पत्रकार के प्रति हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। और स्थानीय लोगों ने कहा कि लोकतंत्र पर हमला, जांच कर दोषी पर कड़ी कार्रवाई हो। मामला बिहार के बांका जिले के बौंसी का है, जहां दैनिक भास्कर समाचार पत्र के संवाददाता माखन सिंह और राजीव रंजन को खबर प्रकाशित करने पर जान से मारने की धमकी मिली है। नगर पंचायत में श्रावणी मेले को लेकर शिव भक्तों की भीड़ और स्थानीय लोगों की समस्या के मद्देनजर नल को खुला रखने से दुर्घटना की आशंका से संबंधित खबर प्रकाशित की गई थी। इस संदर्भ में महिला कार्यपालक पदाधिकारी से बयान लिया गया था। उसके फोन पर एक युवक ने फोन रिसीव कर खुद बयान लेकर दावा किया था कि आपसे प्रकाशित करें। इसके बाद इस खबर के प्रकाशित करने पर महिला पदाधिकारी के घर मौजूद पदाधिकारी का पति बताते हुए पत्रकार को फोन कर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। इसके बाद मामला गर्मा गया। स्थानीय समाजसेवी व्यवसायिक संघ के लोग और पत्रकारों ने इस पर नाराजगी का इजहार किया और स्थानीय थाना अध्यक्ष से इसकी शिकायत की और उनके बयान की रिकॉर्डिंग को सीधे उपलब्ध कराई। मामला माने के बाद थाना पुलिस भी हरकत में आया और अब मामले की जाँच करवाई के निर्देश दिशा में प्रशासन ने कदम उठाया। पत्रकार को खबर जनहित का प्रकाशित करने पर धमकी मिलने से स्थानीय लोगों में नाराजगी व्याप्त है। लोगों का कहना है कि ऐसे में पत्रकारिता और लोकतंत्र पर यह बड़ा हमला है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार लोकतंत्र के साथ भी अभद्रता है। पुलिस को इस पर एक्शन लेकर दोषी पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उर्फ माखन सिंह, दैनिक भास्कर का मैं पत्रकार हूँ, बौसी का। एक दिन हम फोन किए थे कार्यपालक के नंबर पे, तो जब भी कार्यपालक के नंबर पे फ़ोन करते हैं तो उधर से एक आदमी उठाता है, वो बोलता है हम कार्यपालक के पति बोल रहे हैं जी। तो बोले कि आपको जो आपको पूछना है आप बताइए, हम आपको सारा कुछ हम ही बता देते हैं। तो हम दो तीन दिन फ़ोन किए, फिर भी वही आदमी बार बार फ़ोन उठाए। कार्यपालक पति हैं वो? हाँ, वो बोल रहे कि हम कार्यपालक पति हैं। कोई पता नहीं था काहे कि कार्यपालक से हम कभी भेंट हुआ नहीं, कि शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब चीज़ हमको पता नहीं था। तो फिर क्या हुआ? उसी के बाद हम उसका न्यूज़ छापे। न्यूज़ छापने के बाद उसमें हम बयान में दिए कि जब जो हम सुने उनसे कि हम कार्यपालक का पति दे रहे हैं, बोल रहे हैं, और वही बयान में वही बयान भी दे रहे हैं। कोई भी चीज़ पूछना, पत्रकार अगर किसी को फ़ोन करता है तो बयान के लिए फ़ोन करता है जी। कोई गप सड़का करने के लिए तो फ़ोन करेगा नहीं जी। तो हम उसे वही न्यूज़ में हम छापे कि हम जब भी फ़ोन करते हैं तो एक पुरुष उठाते हैं और वो अपने आप को कार्यपालक का पति बताते हैं। वो न्यूज़ छपते ही ठीक उसके दूसरे दिन उसके पति हमको पूरा फ़ोन पे पूरा गलम गाली धमकी, जान से मार देंगे, घर कहाँ है तुमको उठा लेंगे, तुमको गोली मार देंगे। गोली मारने की बात कही है? हाँ, गोली मार देंगे। उसके बाद हम उनसे बहुत प्यार से आप करके, हम उनको बोले भी कह रहे आप पढ़े लिखे आदमी हैं, हम आपसे आप करके बात कर रहे हैं, आप हमसे नॉर्मली बात कीजिए, हम आपको इज्जत दे रहे हैं तो आप भी इज्जत दीजिए। फिर भी पूरा एकदम उग्र हो करके गोली भाई बुला मार देंगे, तुम कहाँ हो, अभी तुम आओ मेरे पास आओ, तो हम तुम्हारे पास आते हैं, उन्हें पूरा उग्र टाइप से। ये जो बात हो रहा था आप उस समय कहाँ थे? हम अपने घर पे थे। इसकी जानकारी आप कहाँ कहाँ दिए? इसकी जानकारी सबसे पहले हम व्यवसायी संघ के अध्यक्ष को दिए, उसके बाद नगर पंचायत के जितने वार्ड मेंबर हैं उन लोगों को दिए। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।